राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की ओर से फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रदेश संगठन के काम से संतुष्टि व्यक्त की है, इसी के चलते उन्होंने प्रदेश में मिशन 25 को हासिल करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं को अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है। इसी को लेकर कि हमारे संवाददाता प्रीत किरण ने अविनाश पांडे से खास बातचीत की। लोकसभा के चुनाव राजस्थान में खत्म हो चुके हैं और मेरे साथ हैं प्रभारी अविनाश पांडे कांग्रेस से, उनसे बात करते हैं। सर, कैसा कुछ फीडबैक मिला आपको? दो चरणों के चुनाव थे, बहुत मेहनत की, बहुत आप लोगों ने प्रचार में दौरे किए, ऐसे में क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है। पूरे राजस्थान में पहला चरण और दूसरा चरण बहुत ही सफलता के साथ में कांग्रेस के सभी नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने, हमारे प्रत्याशियों ने, हमारी सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी मुख्य ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम की स्पिरिट से काम हुआ है। और मुझे खुशी है कि हर एक 25 से 25 सीटों में जो मिशन 25 लेकर हम निकले थे उसमें हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे और राजस्थान की जनता पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से खास तौर पे ये आरोप लगाए गए कि जोधपुर में स्पेशली कुछ सरकारी अमले का भी इस्तेमाल किया गया राजस्थान सरकार की तरफ से, तो क्या आप कैसे जवाब देंगे उनको? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर में जो चुनाव हुआ, कहीं पर एक भी ऐसा प्रत्याशी ना है विपक्ष का है जिसने इस प्रकार के आरोप लगाए होंगे। निश्चित रूप से जोधपुर में इलेक्शन बहुत अच्छी तरह से वैभव जी ने लड़ा और पूरा संगठन उनके साथ में था, और अपनी हार को देखकर अगर इस प्रकार का आरोप वो लगाते हैं जिसका कोई भी ना उनके पास में प्रमाण है, ना ही वो इसके बारे में कोई चीज़ बोल सकते हैं। खुले रूप से बहुत ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयत्न कांग्रेस पक्ष ने, पार्टी ने किया है, और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस था और माननीय मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार का जो 5 वर्ष का कार्यकाल था, लोग प्रश्न पूछ के जानना चाहते थे कि इन 5 वर्षों में उनने अपने वादे अनुसार जनता को क्या दिया। तो उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए कभी मोदी जी वहाँ पर आए, वहाँ पर अमित शाह जी आए, वहाँ पर राजनाथ सिंह जी आए, ऐसा कोई नेता नहीं है जो राजस्थान में और विशेष रूप से कुछ चिन्हित कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं गया हो। कारण सिर्फ ये था कि लोगों को मुख्य मुद्दे से भ्रमित करना, उनसे उनका ध्यान हटाना, ताकि वो उनसे हटकर और फिर से भावनात्मक रूप से लोगों को भटका सके। सर, जैसे प्रत्याशियों से आपकी बात हुई होगी चुनाव खत्म होने के बाद, कुछ का फीडबैक ये रहा कि मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी रही, ऐसे में उसको क्या लेकर क्या दोबारा एक बार चर्चा होगी, क्या एक बार कितने नंबर देते हैं आप अपने मैनेजमेंट को लेकर? मैं मैनेजमेंट को, पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मैनेजमेंट को 100% देता हूँ, और जिस लगन और आत्मविश्वास के साथ पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम और हमारे हर एक नेता ने, छोटे बड़े हर एक ने अपने अपने ताकत अनुसार, अपने अपनी हैसियत के अनुसार अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट किया है, और जब टीम काम करती है तो विजय निश्चित होती है। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान में जिस टीम स्पिरिट के साथ में हमारा वॉर रूम, कंट्रोल रूम, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हर स्तर पर हर एक ने अपने जिम्मेदारी का निर्वाह भलीभांति किया। अंतिम सवाल सर मेरा कि अब प्रदेश में चुनाव थम चुके हैं, ऐसे में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और आप कहाँ कहाँ पे प्रचार के लिए जाएंगे, संगठन क्या जिम्मेदारी दे रहा है? देखिये, चुनाव अभी तो सिर्फ राजस्थान के खत्म हुए हैं, आज से ही हमारे जो कंट्रोल रूम है वो जिम्मेदारी लगाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, जहाँ पर भी पार्टी हमारी जिम्मेदारी लगाती है, जो जिम्मेदारी देगी उसको हमको पूरा करना है और हम तैयार हैं। तो ये कहा जा रहा है कि संगठन ने और ये राजस्थान में जिस तरीके से पूरी भूमिका निभाई है, मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं कोई भी नाराजगी नजर नहीं आ रही है, और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे बहुत ही खुश हैं अपने काम से और पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम से। फिलहाल नतीजों का इंतजार है कि राजस्थान में कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस को। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV, दिल्ली।